जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा मुझे मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि सुफियान व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। तो आज मैं चिश्तियां जा रहा हूँ व्लॉग बनाने, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी व्यू दिखाया जाए रोड का, भी मेरे साथ ट्रैवल भी करे, मज़ा आएगा। चले फिर इंजॉय करते हैं। जी तो अब हम मौजूद हैं चिश्तियाँ में, आपको दिखाएंगे माहौल चिश्तियाँ का कैसा है। जी तो अब हम चिश्तियाँ पार्क में आ चुके हैं। ओए सॉरी सॉरी सॉरी, पार्क लग तो नहीं रहा, पार्क के नाम पे धब्बा ही है कसम से यार। इतनी दूर आए और कुछ मिला भी नहीं, फजूल सा पार्क है। तो हम सोच रहे थे कि दूसरे पार्क चाहिए, पर वो दूर बहुत है, शहर से दूर है। तो चले कुछ करते हैं। नमाज का भी टाइम हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ नमाज पढ़ लूँ और नमाज पढ़ने के बाद मिलते हैं फिर। जी तो हम चिश्तियाँ तो पहुँच चुके हैं, पर हमें बहुत भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि बिरयानी खाई जाए। मैंने यहाँ किसी से पूछा कि कोई अच्छी बिरयानी प्लेस है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मजाहिद भाई से खा ले, बहुत अच्छी बिरयानी होती है। तो हम टेस्ट करने आए हैं, मील के खाने आए हैं, भूख तो बहुत लगी है, पहुँच तो गए हैं चिश्तियाँ में, भूख तो लगनी है ना फिर। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, स्टार्ट करते हैं, खाते हैं बिरयानी। जी तो मजाहिद बिरयानी आ तो गई है, खाते हैं, हम देखते हैं कैसी है, टेस्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में सच पूछो तो मज़ा भी बहुत आया और हंसी तो बहुत ही ज़्यादा आ रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्लॉग करते करते हमारे बाइक का तेल ख़त्म हो चुका है और सुफियान भाई का भी तेल ख़त्म ही हो चुका है एक तरह का, और उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और देख रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। अब देखते हैं कि यहाँ से पेट्रोल पम्प कितना दूर है हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो उनकी हालत पतली हो चुकी है। जी तो हम पेट्रोल डलवा कर बाइक आगे तक ले आए हैं। जी तो चिश्तियाँ के केटू पहाड़ के पास आ चुके हैं हम। केटू पहाड़ पे चढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि चढ़ा जाता है या नहीं। अगर मैं चढ़ पाया तो समझ लो कि वो जो केटू पहाड़ पे ऊपर चढ़े हैं ना, उनमें मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है चढ़ना यहाँ पर। ओह माय गॉड, लो जी मैं केटू पहाड़ पे चढ़ गया हूँ, देख सकते हैं आप मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ, तकरीबन 50,000 फुट होगी। यहाँ से मैं गिरा तो मैं बच ही जाऊँगा मतलब। हाँ जी तो हम पेट्रोल डलवा कर बाइक आगे तक ले आए हैं। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा था, अगर कोई गलती हुई है ना तो यार सॉरी, फर्स्ट व्लॉग था। इंजॉय करना, मज़ा करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा मेरा व्लॉग। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, नया टॉपिक लेकर, नई प्लेस लेकर। ओके, इंजॉय करो।